स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की यूनिट 4 का पार्ट 10 एंड टॉपिक हमारा है ऑफेंस एंड पेनाल्टी अंडर GST। सो ऑफेंस एंड पेनाल्टी को सेक्शन 122 दैट इज 122 to 138 ऑफ GST एक्ट में डिफाइन किया गया है, मतलब 122 से लेकर के 138 तक ऑफेंस एंड पेनाल्टी अंडर GST को एक्सप्लेन किया गया है। कई सारे सेक्शन में किन्हीं सेक्शन में ऑफेंस का डेफिनेशन है, फिर ऑफेंस कितने कितने टाइप्स के हैं वो अलग अलग सेक्शन में डिफाइन किया गया है, फिर पेनाल्टी कब देनी है कितनी देनी है सेक्शन वाइज वो सारा डिफाइन किया गया है। सो गाइज, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, हमारे दो टॉपिक सिर्फ रिमेनिंग हैं GST के अंदर में, पेनाल्टी अंडर GST जिसे हम आज कवर कर रहे हैं, और दूसरा है ई वे बिल। तो पेनाल्टी को समझने के लिए, मतलब आपका जो टॉपिक है वो तो पेनाल्टी अंडर GST ये आपके सिलेबस में दिया है, बट पेनाल्टी को समझने के लिए आपको पहले ऑफेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई ऑफेंस करते हो, कोई अपराध करते हो, तो ही आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। मतलब आप कोई गलत चीज़ करते हो तभी तो उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ता है एज ए पेनाल्टी। सो ऑफेंस अंडर GST की अगर बात कहें, जिसे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ऑफेंस का मतलब होता है ब्रीच ऑफ लॉ, या किसी रूल का जब आप ब्रीच करते हो, ब्रीच माने खंडन करते हो, तो ये एक तरीके का इलीगल एक्ट होता है। जब भी आप किसी कानून को तोड़ते हो या जब आप किसी रूल को तोड़ते हो, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ लॉ एंड दैट इज़ एन इलीगल एक्ट, तो उसके लिए आपको पेनाल्टी इम्पोज की जाती है। सो सिमिलरली एन ऑफेंस अंडर GST इज़ ब्रीच ऑफ प्रोविजन। तो अगर ऑफेंस की बात GST के पैलेंस में करें, तो अगर आप GST के प्रोविज़न को तोड़ते हो या GST के किसी रूल को आप खंडन करते हो या GST के रूल को आप तोड़ते हो, तो आपको पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है और आपको एज अ ऑफेंडर ट्रीट किया जा सकता है, और आपने एक ऑफेंस किया है, एक अपराध किया हुआ है, एज अ अपराधी एज अ ऑफेंडर आपको ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आप किसी रूल को तोड़ते हो या लॉ को तोड़ते हो, सो वो इलीगल एक्ट है और इसके अगेंस्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब क्या है दूसरा सवाल क्या है कि when has anyone committed an offence under GST, मतलब हमें कब ये पता चलेगा कि कोई पर्सन ने कमिट किया हुआ है कोई ऑफेंस GST के अंदर में। सो 21 टाइप्स के डिफरेंट ऑफेंस बताए गए हैं GST के अंदर में, कि अगर आप ये 21 ऑफेंसेस ऐसे हैं अगर आप करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है और आप एज अ ऑफेंडर ट्रीट किए जा सकते हो। पहला क्या है, पहले तो आप समझ लो कि फेक रॉन्ग इनवाइस, अगर आप फेक या रॉन्ग इनवाइस जनरेट करते हो तो आप एज अ ऑफेंडर या आपने ऑफेंस किया है। अब इसमें देखिए 3 पॉइंट है। पहला क्या है, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है और वो कोई ऐसे गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करता है जिसका वो इनवॉइस फॉल्स बना के जनरेट करके दे, या बिना इनवॉइस के वो आपको सामान दे देता है, गुड्स या सर्विस सप्लाई कर देता है, तो उसको एज अ ऑफेंडर ट्रीट किया जाएगा GST के कानून के तहत, वो एक ऑफेंस है, मतलब अपराध है। दूसरा, ही इशूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन वायोलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ GST, वो कोई ऐसे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है जिसमें कि GST या GST के प्रावधान के अंदर में वो वायोलेटेड है, मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड है, या वो ऐसा इशू ऐसा इनवॉइस बिल इशू करता है जो कि GST के प्रावधान में रिस्ट्रिक्टेड है, GST लॉ का वो वायलेट कर रहा है वो इनवॉइस या वो बिल, या उसने गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया हुआ है बिना किसी इनवॉइस के, बिना किसी बिल के। और अगर आप बिना किसी बिल के या बिना किसी इनवॉइस के आप गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो, तो आप GST के प्रोविज़न के तहत आप वायलेट कर रहे हो वहाँ के रूल को, मतलब GST के रूल को, GST के लॉ को आप वायलेट कर रहे हो। फिर थर्ड है कि ही इशू इनवॉइसेस यूजिंग द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अनदर बोनाफाइड टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई भी आपको इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है, मतलब किसी और किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन का आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज़ करके, मतलब जब आप GST में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको GSTIN ये आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलता है, तो आप किसी दूसरे बोनाफाइड टैक्सेबल, बोनाफाइड मतलब कि कोई अदर टैक्सेबल पर्सन है और उसको GST का बेनिफिट मिल रहा है,
और आप उसका ये GSTIN नंबर यूज़ करके आप इनवॉइस जनरेट करके दे रहे हो, तो वो भी एक फ्रॉड है या फेक है या रॉन्ग इनवॉइस आप जनरेट करके दे रहे हो, क्योंकि वो आपका तो आइडेंटिफिकेशन नंबर है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप फेक या रॉन्ग इनवॉइस क्रिएट करते हो, तो पहला तो आपका इनवॉइस से रिलेटेड हो गया, जिसमें आप तीन तरीके का ये आपने देखा। फिर दूसरा है जब आप फ्रॉड करते हो कोई, तो वो ऑफेंस माना जाता है। फ्रॉड का मतलब आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया हुआ है, तो वो फ्रॉड के केस में आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप ऑफेंडर बन जाते हो और ये एक अपराध है। पांचवा है ही सबमिट्स फेक फिनेंशियल रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट और फाइल फेक रिटर्न टू इवेड टैक्स। जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन फाइनेंशियल रिकॉर्ड गलत दिखाता है या गलत डॉक्यूमेंट पेश करता है या गलत तरीके से रिटर्न को फाइल करता है ताकि वो कर की चोरी कर सके या टैक्स को इवेड कर सके। इवेजन का मतलब था चोरी करना। तो जब आप गलत तरीके से रिटर्न को फाइल करते हो या फेक रिटर्न फाइल करते हो, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को गलत दिखाते हो, झूठा दिखाते हो, उसमें चीटिंग करते हो या ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप पेश करते हो जो कि फेक है टैक्स से बचने के लिए, तो आप फ्रॉड के केस में आ जाते हो और आप एक ऑफेंडर बन जाते हो और GST लॉ के अकॉर्डिंग ये एक ऑफेंस है, मतलब अपराध है। छठा है डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। मतलब जब आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हो, कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं करते हो, या अगर आप जानकारी प्रोवाइड करते हैं किसी कार्रवाई के तहत, किसी प्रोसीडिंग के तहत, कोई कार्रवाई हो रही है, कोई पूछताछ हो रहा है, वहाँ पे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, तो वो भी एक ऑफेंस है। फिर है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कर की चोरी। इसमें क्या है कि ही कलेक्ट्स एनी GST बट डज नॉट सबमिट इट टू गवर्नमेंट विद इन 3 months। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि GST कलेक्ट तो कर रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट को GST पे नहीं कर रहा है 3 months के अंदर में। मतलब वो अपने कस्टमर को जो गुड्स या सर्विस अप्लाई कर रहा है उनसे वो GST ले तो रहा है, बट इस GST को वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स इवेजन के तहत आप ऑफेंस, आप एक ऑफेंडर हो और आप ये जो काम कर रहे हो ये एक अपराध है GST लॉ के तहत। आठवां है इवन इफ ही कलेक्ट्स एनी GST इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ही स्टिल हैज़ टू डिपॉजिट इट टू गवर्नमेंट विद इन 3 months। फेलियर टू डू सो विल बी एन ऑफेंस अंडर GST। अगर वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अगर इन केस कोई व्यक्ति है जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे GST कलेक्ट कर रहा है और उसको 3 महीने के अंदर अंदर डिपॉजिट नहीं कर रहा है, या वो फेलियर हो जा रहा है किसी भी तरीके से, वो चाहे नोइंगली अननोइंगली वो 3 months के अंदर अंदर में वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविज़न के तहत अगर वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है टैक्सेस को या GST को, वो गवर्नमेंट के पास में जाके सबमिट नहीं कर रहा है 3 months के अंदर अंदर, तो इसी सिचुएशन में भी वो एक ऑफेंस है। नौवा है ही ऑब्टेन्स रिफंड ऑफ एनी CGST, SGST बाय फ्रॉड। वो कोई फ्रॉड करके या जब वो चीट करके वो रिफंड प्राप्त कर ले CGST और SGST, मतलब गवर्नमेंट को वो बोले कि कोई फ्रॉड या फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश करके बोले कि भाई हमने CGST ज़्यादा दिया है या SGST ज़्यादा दिया है और हमारा ये अमाउंट रिफंड होना चाहिए, वो रिफंड को ऑब्टेन कर ले टैक्स से बचने के लिए। तो ये भी तरीके का फ्रॉड है, ऑफेंस है। दसवां है ही टेक्स और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर वो ITC का ही इस्तेमाल करता है, ITC को वो यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है बिना किसी एक्चुअल रिसिप्ट के, मतलब बिना किसी गुड्स और सर्विस के एक्चुअल रिसिप्ट के अगर वो ITC का यूज़ करता है, गवर्नमेंट को फॉल्स ITC क्लेम करता है और यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, तो वो भी एक तरीके का ऑफेंस है। फिर 11वां है ही डिलिबरेटली सप्रेसेस हिज सेल्स टू इवेड टैक्स। वो बड़े विधिपूर्वक, डेलिब्रेट का मतलब होता है विधिपूर्वक, बड़े विधिपूर्वक रणनीति को अपनाते हुए वो अपने सेल्स को सप्रेस कर दे। मतलब वो कितना सेल कर रहा है मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, बाई एनुअली, जो भी है वो कितना सेल कर रहा है, उसकी सेल्स कितनी हो रही है, अपने सेल्स के इन्फॉर्मेशन को वो सप्रेस कर ले, दबा ले या छुपा ले ताकि वो टैक्स से बच सके। ऐसी सिचुएशन में ये एक ऑफेंस है GST लॉ के तहत। फिर है सप्लाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, सप्लाई कह लें या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कह लें। 12वां पॉइंट है कि ही ट्रांसपोर्ट गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट। अगर वो कोई
ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स का और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये भी एक तरीके का अपराध है। फिर है सप्लाईज़ या ट्रांसपोर्ट विच ही नोज़ विल बी कॉन्फिसिकेटेड। वो ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहा है या ऐसा ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऐसे सामानों को जिसे उसे खुद को पता है कि उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा, मतलब वो इलीगल सामान की सप्लाई कर रहा है जिनकी जब्त होने की संभावना है, वो जानते हुए इसको सप्लाई कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी एक ऑफेंस है। डिस्ट्रॉय टेम्पर्स गुड्स विच हैव बीन सीज्ड, जो सामान सीज़ किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो उस सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है या तोड़ फोड़ देता है या उस सामान को हटा देता है, तो ऐसी स्थिति में ये भी एक तरीके का ऑफेंस है। कुछ और भी तरीके के ऑफेंस हैं, जैसे कि ही हैज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST ऑल्दो ही इज़ रिक्वायर्ड टू बाय लॉ। उसने खुद को GST के अंदर में रजिस्टर तो नहीं किया हुआ है, लेकिन कानून के तहत, लॉ के तहत, कानून मानी GST के लॉ के तहत उसे खुद को GST में रजिस्टर करना चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है कि वो GST में रजिस्टर हो, इसके बावजूद उसने खुद को रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो ये भी एक तरीके का ऑफेंस है। ही डज़ नॉट डिडक्ट TDS और डिडक्ट लेस अमाउंट वेयर एप्लीकेबल। अगर वो TDS डिडक्ट नहीं करता है या उसे जितने अमाउंट का TDS डिडक्ट करना चाहिए उतने अमाउंट से कम TDS, उतने अमाउंट का ना करके उससे कम के अमाउंट का TDS अगर वो डिडक्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो भी एक ऑफेंस है। ही डज नॉट कलेक्ट TCS और कलेक्ट्स लेस अमाउंट वेयर एप्लीकेबल। अगर वो TCS कलेक्ट नहीं कर रहा है या कलेक्ट अगर कर भी रहा है तो वो लेस अमाउंट कर रहा है, मतलब जितना उसे करना चाहिए उससे कम वो अमाउंट TCS का वो कलेक्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो एक ऑफेंस है। बीइंग एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ही टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द रूल्स। वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए ITC को, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को, वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या गलत तरीके से ITC का वो इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि वो GST के लॉ का वायलेशन कर रहा है, खंडन कर रहा है। 19th है, ही ऑब्स्ट्रक्ट्स द प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, ही हिंडर्स द ऑफिसर ड्यूरिंग द ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। अगर वो किसी प्रॉपर ऑफिसर को जांच पड़ताल के दौरान उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उनको रोकता है, उनको ड्यूटी नहीं करने देता, उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने देता है, तो ये भी तरीके का ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर वो छुपा ले या वो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे ऑफिसर को, जब ऑफिसर ऑडिट कर रहा है या टैक्स अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स आते हैं ऑडिटिंग करने के लिए, तो वो ऑफिसर को हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, रुकावट, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का ऑफेंस है। नेक्स्ट है, ही डज नॉट मेंटेन ऑल द बुक्स दैट ही रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय लॉ। वो बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है, बुक्स माने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा है जो कि उसको मेंटेन करना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, ये भी एक तरीके का ऑफेंस है। 21वां है, ही डिस्ट्रॉय एनी एविडेंस। अगर उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस है, या एविडेंस का मतलब कोई साक्ष्य इसको बोलते हैं हिंदी में, कोई उसके या सबूत आप बोल सकते हो, कोई सबूत है, अगर वो सबूत को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का ऑफेंस है। तो ये जो 21 तरीके के आपने ऑफेंस देखे हैं, इनमें क्या है कि इनमें आपने जितना बड़ा ऑफेंस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपने जो ये 21 तरीके के ऑफेंसेस देखे, ऐसे ये फ्रॉड के केस देखा, चाहे आपने टैक्स इवेजन का केस देखा या जो भी और भी केसेस आपने अदर केसेस देखे, ऐसी सिचुएशन में मिनिमम 10,000 की आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, या आपने जितनी वैल्यू के इक्वल आपने ऑफेंस किया है वो 100% आपको देना पड़ सकता है। तो ये 21 ऑफेंसेस जो आपने ऊपर देखे हैं फ्रॉड केसेस के, 100% पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है, इन केस अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू का 100% 10,000 से कम है, तो सपोज़ करिए कि 8,000 के आसपास निकल के आता है कि 8,000 की पेनल्टी आपको इम्पोज की जानी चाहिए, क्योंकि वैल्यू आपने जितना चोरी किया है वो 8,000 रुपये की आपने चोरी की हुई है। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में
आपको 10,000 एटलीस्ट आपको पे करना ही होगा, मतलब 8,000 नहीं, आपको मिनिमम 10,000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर ये अमाउंट बढ़ के अगर सपोज़ करिए आपने अगर फ्रॉड किया हुआ है 20,000 का, तो आप 20,000 आपको पे करना होगा, मतलब मिनिमम आपको 10,000 पे करना है, मैक्सिमम आप 100% जो वैल्यू है वो आपको पे करना पड़ सकता है अगर ऑफिसर चाहे तो, मतलब 10,000 तो आपको मिनिमम पे करना ही है। कुछ कुछ केसेस में आपको इम्प्रिजनमेंट भी होता है। तो मैंने आपको इस लेक्चर में ये समझाया कि ऑफेंसेस कितने कितने टाइप के होते हैं, और ऑफेंस को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आपको ऑफेंस समझ में आएगा तो ही आपको ये पता चलेगा कि किन पे आपको पेनाल्टी इम्पोज की जा रही है या पेनाल्टी आपको कितनी इम्पोज की जा रही है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनाल्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पेनाल्टी क्या होता है और कितनी कितनी पेनाल्टी किन किन ऑफेंसेस पे दी जाती है।